Hello everyone, welcome to online portal of the engineers. Dear student, जैसा कि हम लोग टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 31 तक कंप्लीट कर लिया था. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिलिंग मशीन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया था. तो आज हम लोग इसी सीरीज में लेक्चर नंबर 32 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा ड्रिलिंग ऑपरेशन. तो आज हम लोग टॉपिक ड्रिलिंग ऑपरेशन पर डिस्कस करेंगे. हम लोग ये देखेंगे कि ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है और ड्रिलिंग ऑपरेशन किस टूल से किया जाता है, कितने टाइप का टूल होता है, किस मशीन पर ड्रिलिंग टूल बांधा जाता है, वो मशीन कैसे वर्क करती है. तो इन सारे ऑपरेशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन. मतलब किसी प्लेट में, सपोज करिए कि हमारे पास एक प्लेट हो. देखिए, मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास एक सॉलिड प्लेट हो. अब इस सॉलिड प्लेट में हमें होल बनाना हो, तो होल देखिए हमारा बेसिकली कैसा बन सकता है. दो तरीके का बन सकता है. पहला वर्टिकल होल बन सकता है और दूसरा इंक्लाइंड होल बन सकता है. वर्टिकल होल का मतलब यहाँ पर हम एक टूल का यूज करेंगे इस तरीके से, और ये टूल अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा. जब इस टूल को डाउनवर्ड में इसके कांटेक्ट में लाएंगे, तो यहाँ से मेटल रिमूव होने शुरू होंगे और इसके डायमीटर के बराबर ये होल बनता चला जाएगा. तो इस तरीके से ये ड्रिल बिट हमारा कहाँ, यहाँ तक आ जाएगा और होल हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो किसी भी सॉलिड वर्क पीस में प्राइमरी होल को प्रोड्यूस करने के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन को किया जाता है. अब अगर उस होल के साइज को, अगर इसे हम टॉप व्यू से देखें तो ऐसा बनेगा. अगर इसके साइज को और इनलार्ज करना हो, और इनलार्ज करना हो, तो हम क्या एक साथ बहुत बड़े डायमीटर के होल को नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं. जब हमें होल की साइज को और इनलार्ज करना हो, तो उस समय हम पहले प्राइमरी होल जनरेट करेंगे, स्मॉल डायमीटर का होल जनरेट करेंगे, देन इस होल का साइज बढ़ाएंगे और उस ऑपरेशन को हम लोग बोरिंग ऑपरेशन कहते हैं. दोबारा इसके साइज को और बढ़ाएंगे, तो इस ऑपरेशन को हम लोग काउंटर बोरिंग ऑपरेशन कहते हैं. तो कुल मिलाकर हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन होता है, किसी प्लेट पर स्मॉल साइज के होल को प्रोड्यूस करने के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है. तो अगर हम बात करें ड्रिलिंग ऑपरेशन के डिफ्लेशन की, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन देखें, ड्रिलिंग इज ए ऑपरेशन इन विच ड्रिलिंग इज ए प्रोसेस या ऑपरेशन कुछ भी कह लीजिए, प्रोसेस इन विच मेकिंग, अब हम क्या बनाते हैं, स्मॉल साइज के होल को बनाते हैं, मेकिंग स्मॉल साइज ऑफ स्मॉल साइज या स्मॉल डाया ऑफ होल इन एनी फ्लैट सरफेस ऑफ वर्कपीस. अगर सर्कुलर या सिलेंड्रिकल सरफेस हो, तो इस पर ड्रिलिंग करना आसान नहीं होगा. तो हम कैसे कोशिश करते हैं, फ्लैट सरफेस पर ड्रिलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करें. तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा डाया ऑफ होल इन एनी फ्लैट सरफेस ऑफ वर्कपीस, और जो होल हमारा बनेगा वो ड्रिलिंग ऑपरेशन में वर्टिकल या इंक्लाइन, मतलब अगर टूल को ऐसा हम कर दें, तो इस तरीके का जो होल हमारा बनेगा इसे हम लोग इंक्लाइंड होल कहेंगे. तो इस तरीके से होल इज मेकिंग होल
होल इज मेकिंग वर्टिकल और इंक्लाइंड बाय ड्रिलिंग ऑपरेशन या ड्रिलिंग प्रोसेस। ड्रिलिंग प्रोसेस से हम वर्टिकल या इंक्लाइंड होल को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें देखिएगा कुछ बेसिक फिनोमिना होता है, जैसे ये हमारा रोटेट कर रहा है तो ये कौन सा टॉर्सनल फोर्स लगा रहा है, और उसके बाद जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पर एक्सियल फोर्स लगाएगा जिससे कटिंग होगी। तो बेसिक ये जो मटेरियल यहाँ पर रिमूव कर रहा है वो किस टाइप के फोर्स को लगा कर रिमूव कर रहा है, टॉर्सनल फोर्स और एक्सियल फोर्स, है ना। तो जो हमारे पास ड्रिलिंग मशीन में फोर्स लगता है ड्रिलिंग प्रोसेस से, ड्रिल इसे बोलते हैं ड्रिल बिट। ये हमारा होता है ड्रिल बिट। तो ड्रिल बिट द्वारा वर्कपीस पर हम कौन कौन सा फोर्स लगाते हैं, ये रोटेशनल फोर्स जिसको हम लोग कौन सा बोलते हैं टॉर्सनल फोर्स, और ये हमारा कौन सा होगा एक्सियल फोर्स, इस ड्रिल बिट की एक्सिस के एलोंग लगेगा। तो इस तरीके से टू फोर्सेस आर एक्ट इन टू फोर्सेस आर एक्ट इन ड्रिलिंग प्रोसेस पहला हमारा कौन सा होगा टॉर्सनल और एक्सियल। टॉर्सनल एंड एक्सियल फोर्स। अब इसमें देखिए एक्सियल फोर्स हमेशा ग्रेटर होना चाहिए टॉर्सनल फोर्स से, यह भी कंडीशन आपको समझना होगा। एक्सियल फोर्स इज ग्रेटर देन टॉर्सनल फोर्स, ये हमारा हो गया। अब इस पे जो मेटल हमारा रिमूव होगा, ये वर्कपीस जब हम इस तरीके से देखेंगे तो ये जो मेटल हमारा रिमूव होगा वो यहाँ इस बिट से क्या हो रहा है सीयर होगा। सीयर होगा तो सीयर फोर्स भी लगेगा, उसे माइनर फोर्स हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा जो मटेरियल रिमूव होगा वो किस फॉर्म में रिमूव होगा, अगर सीयर फोर्स लगेगा तो मटेरियल सीयर होगा, और सीयर होने के साथ इसको हम इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और मटेरियल ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। तो ये याद रखिएगा मटेरियल रिमूव इन ड्रिल बिट किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ सीयरिंग एंड एक्सट्रूजन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, इस तरीके से मटेरियल मटेरियल रिमूव इन ड्रिलिंग प्रोसेस, ड्रिलिंग प्रोसेस किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ सीयरिंग एंड एक्सट्रूजन, सीयरिंग एंड एक्सट्रूजन। तो इस तरीके से सीयरिंग और एक्सट्रूजन के माध्यम से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कटिंग बेसिक हम लोग दो तरीके की जानते थे, ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग। देखिए जब ये वर्कपीस हो और ये ड्रिल बिट इस तरीके से इस पर कॉन्टैक्ट करें तो ड्रिलिंग की कटिंग एज ये है और वेलोसिटी ये है, तो कटिंग वेलोसिटी कटिंग एज के इंक्लाइंड है, परपेंडिकुलर नहीं है। अगर कटिंग वेलोसिटी कटिंग एज के परपेंडिकुलर होती तो वो हमारी ऑर्थोगोनल कटिंग कहलाती, लेकिन यहाँ पर कटिंग वेलोसिटी ये कटिंग वेलोसिटी है, ये कटिंग एज है, उसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसीलिए ये कटिंग प्रोसेस हमारा
ऑब्लिक कटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा ड्रिलिंग प्रोसेस इज ऑब्लिक कटिंग प्रोसेस। ऑब्लिक कटिंग प्रोसेस, तो ड्रिलिंग प्रोसेस हमारा कैसा प्रोसेस होता है? ऑब्लिक कटिंग प्रोसेस होता है। ऑब्लिक किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पर ये कटिंग एज हमारी कटिंग वेलोसिटी के इंक्लाइंड होती है। अगर ये ऐसा होता, ये कटिंग एज ऐसी होती, तो देखिए वेलोसिटी ये है, कटिंग एज ये है, लेकिन उस समय ये मेटल को कट ही नहीं कर पाएगा। ये एज इस पर आकर बार बार उसी पर रोटेट करती रहेगी, तो हमारा मेटल कट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी ड्रिलिंग होती है। अब चलिए हम थोड़ा सा इस ड्रिल बिट के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि वो हमारा ड्रिल बिट क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल बिट। देखें, हम ड्रिल बिट के स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो हम उसमें ड्रिल मशीन को फिक्स करके उसी ड्रिल बिट के माध्यम से कटिंग करेंगे। तो ये हमारा क्या है? ड्रिलिंग में यूज होने वाला एक टूल है। तो ड्रिलिंग में हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो अगर हम बात करें कटिंग टूल यूज इन ड्रिलिंग प्रोसेस। ड्रिलिंग प्रोसेस में हम किस कटिंग टूल का उपयोग करते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिल बिट। तो ड्रिल बिट आर यूज, अब ये ड्रिल बिट क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो हम क्या किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? ड्रिल बिट। बेसिकली देखिए ड्रिल बिट होता कैसा है और पूरा ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसा होता है वो भी आपको बता दे रहे हैं। एक सिंपल सा डायग्राम बनाकर आपको बता दे रहे हैं कि पूरा ड्रिलिंग ऑपरेशन होता कैसा है। इसे रिमूव कर दे रहे हैं या यहाँ कहीं बना दे रहे हैं। ऐसा देखिए अगर हम एक मैनुअल ड्रिलिंग ऑपरेशन ले तो वो हमारा जो सिंपल सा ड्रिलिंग प्रोसेस होता है वो कैसा होता है उसके बारे में आपको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये कुछ हमारा इस तरीके का होता है। ऐसा हमारा एक ड्रिल बिट होता है। इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा बनाते हैं। इस तरीके का बनाते हैं। अब देखिए ये हमारा होता है। इसके माध्यम से हम इस ड्रिल बिट को, इसे बोलते हैं ड्रिल बिट होता है। अब इस ड्रिल बिट को हम ड्रिल चक पर पकड़ते हैं।
ये हमारा कहलाता है ड्रिल चक। अब ये ड्रिल चक हमारा क्या होता है, देखें इस शाफ्ट को देखें, यहाँ पर ये हमारी होती है शाफ्ट, शाफ्ट इस शाफ्ट से बना होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे इस तरीके का और ऐसा इस तरीके का बना होता है। ये हमारा स्विच लगा होता है, इसे हम लोग हैंडल कहते हैं, हैंडल कहते हैं, और यहाँ पर हमारी ये मोटर होती है, ये पूरी मोटर होती है, इसके अंदर मोटर बनी होती लगी होती है मोटर। अब ये ड्रिल बिट का शाफ्ट हमारा इसके अंदर यहाँ तक आता है, जब ये मोटर रोटेट करेगी तो ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद ये पूरे सिस्टम को रोटेट कराएगा। देन इस ड्रिल बिट को अगर इस वर्कपीस के सामने रखेंगे तो इस वर्कपीस में क्या होगी, ड्रिलिंग ऑपरेशन होने लगेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल फिनोमिना इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन का ये हमारा सिंपल ऑपरेशन है, इसी को हम लोग पोर्टेबल ड्रिल मशीन के नाम से भी जानते हैं या हैंड ड्रिल मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके का ये ऑपरेशन हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन कहलाता है। अब इसमें जो एलिमेंट हमारे लगते हैं ड्रिलिंग मशीन पे, तो देखिए मोटर लगती है, मोटर के साथ हमारा क्या होता है ड्रिल चक लगता है, मतलब ड्रिल होल्डिंग डिवाइस लगती है, उसके बाद ड्रिल बिट लगता है, फिर ये वर्कपीस है तो वर्कपीस को भी होल्ड करने के लिए कुछ डिवाइसेस लगेंगे। तो जो एलिमेंट हमारे यूज किए जाते हैं ड्रिलिंग में वो देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट यूज किए जाते हैं। एलिमेंट यूज इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, एलिमेंट्स यूज इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम कौन कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, तो हम मोटर का यूज करते हैं, फर्स्ट हमारी मोटर होती है, बिना मोटर के ड्रिल मशीन हमारी नहीं चलेगी। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं मोटर के बाद, जब ड्रिल मशीन को ड्रिल मोटर पर फिक्स करेंगे तो किसके माध्यम से, चक के माध्यम से, मतलब ड्रिल बिट होल्डिंग डिवाइस, या इसे हम कहेंगे ड्रिल बिट होल्डिंग डिवाइस, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद ड्रिल बिट का उपयोग करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा होता है ड्रिल बिट फोर्थ पॉइंट हमारा, इस वर्कपीस को भी क्लाइंब करने के लिए हम कुछ इक्विपमेंट का यूज करते हैं, तो वो हमारा होता है वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस। वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस, तो इस तरीके से ये एलिमेंट हमारे यूज किए जाते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन में। अब इस अब पावर सोर्स वगैरह भी होता है, तो उसका भाई मोटर लगी है तो बिना पावर के नहीं चलेगी, ये सब अंडर स्टूड होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्रिल बिट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ड्रिल बिट हमारी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रिल बिट के बारे में। चलिए देखिए अगला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रिल बिट। ड्रिल बिट, तो ड्रिल बिट हमारी होती कैसी है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर डिटेलिंग करेंगे। तो सिंपल सी जो ड्रिल बिट होती है वो हमारी कुछ इस तरीके की होती हैं।
वो हमारी कुछ इस तरीके की होती हैं। अब इसके आगे जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ड्रिल पॉइंट एंगल बना देते हैं, उसके बाद इस ड्रिल पॉइंट एंगल से ऐसा हम लोग लेकर आते हैं। ये बहुत छोटा हम बना रहे हैं, इस पे ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना रहे हैं, तो इस तरीके से ये हमारा कुछ ऐसा बनता है। और ये हमारा कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से यहाँ से ऐसा जाता है। तो सिंपल सा आप देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिल बिट। इसमें हमने बहुत छोटा सा ड्रिल बिट बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, इस पार्ट को बोलते हैं बॉडी या सैंक, और इस पार्ट को बोलते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे फ्लूट कटे होते हैं, ये हमारा होता है कटिंग एज, इसे हम लोग कटिंग एज बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल बनता है, ये हमारा होता है ड्रिल पॉइंट एंगल, इसे हम लोग ड्रिल पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये देखिए, ये जो फ्लूट कटे हुए हैं, एक लाइन फ्लूट से ऐसे जाएगी और एक लाइन इस ड्रिल बिट के एक्सिस से होकर जाए, तो इसके बीच एक जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग देखिए हेलिक्स एंगल के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग रैक एंगल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा होता है हेलिक्स एंगल, इस तरीके से। यहाँ पे ये जो होती है, इसे हम लोग निक कहते हैं, निक कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरऑल लेंथ ऑफ ड्रिल बिट, ओवरऑल लेंथ ऑफ ड्रिल बिट। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लंबाई होती है, ये हमारी कौन सी होती है, सैंक, लेंथ ऑफ सैंक। और ये जो हमारे कटे होते हैं, ये इन्हें हम लोग, ये जो कटे होते हैं, ये होते हैं फ्लूट, फ्लूट जो कटे होते हैं, फ्लूट के माध्यम से ही जब मटेरियल को कट करते हैं तो वहाँ से चिप्स बाहर रिमूव होती है, और फ्लूट के ही माध्यम से इस पर हम रैक एंगल को प्रोवाइड कराते हैं, और फ्लूट के ही माध्यम से जब कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हीट जनरेट होती है, उस हीट को रिमूव करने के लिए इधर से कूलेंट को हम इस पर इनलेट कराते हैं। तो इस तरीके से इतने एलिमेंट हमारे होते हैं ड्रिलिंग मशीन में, है ना। तो अब ये ड्रिल बिट हमारा ऐसा ही सिंपल सा बनता है। इस ड्रिल बिट की जो कैटेगरी होती है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कितने टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ड्रिल बिट देखें, अभी हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे, फ्लूट क्या होता है, ड्रिल पॉइंट क्या होता है, कटिंग एंगल क्या होता है, हेलिक्स एंगल क्या होता है, लिप एंगल क्या होता है, रैक एंगल क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रिल बिट, ड्रिल बिट के प्रकार। तो पहला अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू सैंक, अकॉर्डिंग टू सैंक, मतलब सैंक के आधार पर ड्रिल बिट हमारी कितने तरीके की क्लासिफाइड होती है। तो सैंक के आधार पर ड्रिल बिट को हम लोग दो तरीके का क्लासिफाइड करते हैं। पहला हमारी होती है, फर्स्ट हमारी होती है देखिए पैरेलल सैंक, पैरेलल सैंक, और दूसरा हमारा होता है टेपर्ड सैंक। पैरेलल सैंक
और टेपर्ड सैंक। ये सैंक आप देख रहे हैं, देखिए एक ड्रिल बिट का सैंक हमारा इस तरीके से बनता है। अब यहाँ से ये ऐसा हमारा इस तरीके से हमारा ड्रिल बिट कंप्लीट होता है। तो ये वाला जो हमारा सैंक दिखाई दे रहा है, ये पैरेलल सैंक दिखाई दे रहा है। बार बार इस ड्रिल सैंक को हम यहाँ पर जब क्लैंप करेंगे ड्रिल चक में, फिर निकालेंगे, फिर क्लैंप करेंगे, तो यहाँ का मेटल क्या होगा, घिसेगा। घिसने से ये सैंक हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। फिर यहाँ से ये क्या होगा, लूज हो जाएगा। तब इस ड्रिल चक पर हम टाइटली सैंक को नहीं पकड़ पाएंगे, जिससे ये ड्रिल बिट हमारा बहुत जल्दी यूजलेस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इस ड्रिल बिट की लाइफ को और बढ़ाने के लिए इसके सैंक को हमने ऐसा बना दिया, टेपर बना दिया, ताकि एक बार यहाँ तक टाइट करके पकड़ेंगे, जब ये कुछ दिन मशीनिंग के बाद ढीला होगा तो और आगे इसकी टाइटनेस हो जाएगी, तो इस तरीके से इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके का ड्रिल बिट बनाएं अकॉर्डिंग टू सैंक, पैरेलल सैंक एंड टेपर्ड सैंक। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फ्लूट, ये जो इस पे हमारा इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो फ्लूट कटे हुए हैं, इस फ्लूट के अकॉर्डिंग, ये तो देखिए ऐसे फ्लूट हमारे कट के जा रहे हैं, इस तरीके से। तो इस फ्लूट के अकॉर्डिंग हम ड्रिल बिट को कितने तरीके से बांटते हैं, तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्लूट। अकॉर्डिंग टू फ्लूट, फ्लूट के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास एक होती है पैरेलल फ्लूट, या उसे हम बोलते हैं ग्रुप फ्लूट्स, और दूसरा हमारा होता है ट्विस्ट ड्रिल। तो पहली हमारी होती है पैरेलल फ्लूट, पैरेलल फ्लूट, और सेकंड हमारा होता है ट्विस्ट ड्रिल, मरोड़ ट्विस्ट ड्रिल। पैरेलल फ्लूट में जो हमारा ड्रिल बिट बनता है वो देखिए कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है। सपोज करिए कि ये हमारा कटिंग एज हो और ड्रिल बिट हमारा ऐसा बनता है इस तरीके से। अब ये देखिए ये जो हम देख रहे हैं ऐसा, सिमिलर यहां पर भी, इसमें क्या होगा, जब ये वर्कपीस हमारे पास यहां पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये रोटेट करेगा, और रोटेट करके मेटल को रिमूव करेगा, तो इसी फ्लूट से ये फ्लूट हमारे कुछ इस तरीके, देखिए ऐसे फ्लूट हमारे बने होते हैं। इसी फ्लूट को हम लोग, ये हमारे पैरेलल फ्लूट होते हैं, तो ड्रिलिंग करेगा तो यहाँ से मेटल बाहर निकल कर जाएगा, तो ऐसे फ्लूट को हम लोग पैरेलल फ्लूट कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये मरोड़ टाइप का फ्लूट ऐसे बना होता है, ये फ्लूट ऐसा मरोड़ टाइप का बना होता है, तो इसीलिए इसे हम लोग ट्विस्ट ड्रिल या मरोड़ ड्रिल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको ट्विस्ट ड्रिल और पैरेलल ड्रिल के नाम से भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है अकॉर्डिंग टू फ्लूट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट ड्रिल हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी हमारी ड्रिल होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड ड्रिल मशीन जो हमारी होगी अकॉर्डिंग टू लेंथ, लेंथ के आधार पर, लेंथ के आधार पर हमारी ड्रिल मशीन, देखिए शॉर्ट सीरीज ड्रिल मशीन होती है और मीडियम को हम स्टब सीरीज ड्रिल मशीन कहते हैं, STUB स्टब सीरीज
ड्रिल मशीन कहते हैं, और नेक्स्ट उसके बाद लॉन्ग सीरीज ड्रिल मशीन कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी होती है पहली फर्स्ट शॉर्ट सीरीज, दूसरा होता है स्टब सीरीज, और थर्ड होता है लॉन्ग सीरीज। तो इस तरीके से ये हमारी होती है अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ। अब अगर इसके मटेरियल की बात करें तो ये हमारी केवल दो मटेरियल की ड्रिल बिट बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ नंबर ड्रिल, अकॉर्डिंग टू ड्रिल मटेरियल। इस तरीके से ये हम लोग पढ़ेंगे। अब ड्रिल बिट के मटेरियल का आधार पर ये हमारी कौन कौन सी बनेगी। पहली बनेगी हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, और सेकंड हमारी बनेगी हाई स्पीड स्टील। तो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग दो तरीके की ड्रिल मशीन को जानते हैं, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील ड्रिल मशीन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रिल को होल्ड करने वाली, देखें ये जो ड्रिल बिट है इसको होल्ड करने वाली डिवाइस के अकॉर्डिंग इसको हम कितने तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अकॉर्डिंग टू ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। ये जो ड्रिल बिट को हम होल्ड करेंगे इस डिवाइस के आधार पर, इस ड्रिल बिट को हम कितने तरीके से, देखें स्लीव से भी इसको होल्ड करते हैं, चक से भी करते हैं, स्पिंडल से भी करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। ड्रिल होल्डिंग डिवाइस के आधार पर हम ड्रिल बिट को कितने तरीके से बांटते हैं। तो हमारे कौन कौन से होंगे, देखिए स्पिंडल, चक, स्लीव। समझिए, अगर यहाँ पर ये देखें जो हम ड्रिल चक का उपयोग कर रहे हैं, ड्रिल चक इसे हम बोलेंगे ड्रिल चक के आधार पर ड्रिल बिट। दूसरा हम लोग किसका उपयोग करेंगे, अगर इसकी जगह स्पिंडल का उपयोग कर लें इस ड्रिल बिट को पकड़ने के लिए, तीसरा हम लोग स्लीव का यूज कर लें, चौथा हम लोग सॉकेट का यूज कर लें। तो इस तरीके से ये हमारी ड्रिल बिट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू होल्डिंग डिवाइस। अब इस होल्डिंग डिवाइस के बाद हम लोग वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रिल बिट में हमारी वर्कपीस को होल्ड करते हैं, तो उसे हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, वी ब्लॉक होता है, नट एंड बोल्ट होता है, प्लेट होती है ना, तो इस तरीके से चक होते हैं, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा क्लासिफिकेशन था, ये ड्रिल बिट का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। अब इसमें हमने एक पॉइंट यहाँ पे देखा था अकॉर्डिंग टू लेंथ, शॉर्ट सीरीज, स्टब सीरीज, लॉन्ग सीरीज। अगर लॉन्ग सीरीज की ड्रिल बिट बनानी हो तो ये देखिए ये जो ड्रिल बिट हमारी होती है इसकी लंबाई को अगर हमें बढ़ाना हो तो उस समय हम क्या करेंगे, इस ड्रिल बिट पर, देखिए जब इसकी लंबाई को हमें बढ़ाना हो तो इस ड्रिल बिट पर हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी को जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि किस माध्यम से ड्रिल बिट को बॉडी के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये बॉडी के साथ हमने इसको जोड़ दिया है, तो पूछा जाता है
किस माध्यम के साथ इस ड्रिल बिट को इस बॉडी के साथ जोड़ते हैं, वेल्डिंग के साथ, सोल्डरिंग के साथ, ब्रेजिंग के साथ, या वेल्डिंग में भी कौन सी वेल्डिंग के साथ, ऐसा। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन वेल्डिंग के माध्यम से, देखिए ये भी सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर होता है, दोनों को एक दूसरे के सामने ऐसा रखेंगे और एक को फिक्स करेंगे, एक को रोटेट कराएंगे टच करके। जब टच करके रोटेट कराएंगे तो दोनों के बीच फ्रैक्शन जनरेट होगा, जिससे हीट जनरेट होगी, देन वहाँ के मेटल मेल्ट होकर डिफ्यूज होंगे, फिर स्पीड को रोककर प्रेशर अप्लाई कर देंगे, तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये दोनों वेल्ड हो जाएगा। इसी वेल्डिंग को हम लोग फ्रैक्शन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो इस ड्रिल बिट और बॉडी को जोड़ने के लिए फ्रैक्शन वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इस ड्रिल बिट को बनाने के लिए, ड्रिल बिट को बनाने के लिए कौन से प्रोसेस का उपयोग करते हैं, तो फोर्जिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। इस पूरा ड्रिल बिट पर, जैसे यहाँ पर देखिए ये मटेरियल को हम रिमूव कर रहे हैं, तो फोर्जिंग प्रोसेस के थ्रू ड्रिल बिट को बनाते हैं। तो अब इसे हम लोग नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं। नोट पॉइंट करके हम लोग लिख लेते हैं। नोट पॉइंट वन, ड्रिल बिट आर मेड बाय फोर्जिंग प्रोसेस। ये जो ड्रिल बिट को हम बनाते हैं, जिस पे ये फ्लूट कटे होते हैं, तो मेड बाय फोर्जिंग प्रोसेस। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखिए, ड्रिल बिट और ड्रिल की बॉडी को जोड़ने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे देखिएगा, ज्वाइनिंग ड्रिल बिट एंड बॉडी यूज्ड फ्रैक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रैक्शन वेल्डिंग प्रोसेस का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इस ड्रिल बिट के फ्लूट, हेलिक्स एंगल, लिप एंगल और अदर एंगल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा ड्रिल बिट के कुछ कटिंग स्पीड, मशीनिंग टाइम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, चलिए इस पे हम लोग कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट और ड्रिल फ्लूट का वो डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग स्पेशल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे देखिएगा, जैसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फीड, ड्रिल मशीन में फीड हमारा क्या होता है। तो देखिए, जब ये ड्रिल बिट
एक चक्कर रोटेट करेगा, एक चक्कर रोटेट करने में जितना mm मटेरियल को काटेगा, डेप्थ ऑफ कट को काटेगा, उसी को हम लोग फीड कहते हैं। तो डेप्थ ऑफ कट कटिंग इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ ड्रिल बिट आर कॉल्ड फीड। या हम कह सकते हैं कि ड्रिल बिट के एक रिवॉल्यूशन होने में ड्रिल बिट द्वारा जितनी डिस्टेंस दूरी ट्रेवल्ड करेगा उसी को हम लोग फीड कहते हैं। तो यह हमारा फीड कहलाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्रिल बिट बाई ड्रिल बिट इन वन रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल्ड करेगा उसी को हम लोग फीड कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड फीड इज रिप्रेजेंटेड mm पर रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन में कितना mm वो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा उसी को हम लोग फीड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कटिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। कटिंग स्पीड सी भी, तो अब देखिए ये क्या होगा, जैसे इस वर्कपीस को हम यहाँ पे बनाएं तो यहाँ पर क्या होगा, इस सर्कुलर होल को ये प्रोड्यूस करेगा और इतना डेप्थ तक प्रोड्यूस करेगा, है ना, इतना डेप्थ तक प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, पाई डी एन अपॉन 1000। पाई का मतलब क्या होगा, इसका पूरा पेरीफेरी होगा और डी का मतलब इसका डायमीटर होगा, पाई परिधि इंटू डी डायमीटर इंटू इसका जो एन आरपीएम है अपॉन 1000। तो ये कटिंग वेलोसिटी होती है पाई डी एन अपॉन 1000 और ये होता है मीटर पर मिनट में। याद रखिएगा कटिंग वेलोसिटी आपकी होती है मीटर पर मिनट में, वेयर डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट एंड एन इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ ड्रिल बिट, कितनी स्पीड से ड्रिल बिट हमारा रोटेट कर रहा होगा, आरपीएम ऑफ ड्रिल बिट। तो इस तरीके से यह हमारा हो जाएगा कटिंग स्पीड। अब कटिंग स्पीड के बाद सपोज करिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें होल को प्रोड्यूस करना था, तो इसे प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिलिंग टाइम या मशीनिंग टाइम। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ड्रिलिंग टाइम या मशीनिंग टाइम। इसे हम लोग TM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मशीन टाइम TM बराबर हम लोग पढ़ते थे TM इज इक्वल टू लेंथ अपॉन फीड इनटू रोटेशन पढ़ते थे हम लोग, ये हम लोग पढ़ते थे लेंथ अपॉन फीड इनटू रोटेशन के। लेकिन इसमें भी देखिए सपोज करिए वर्कपीस ये हो और यहाँ पर ये ड्रिल बिट हमारा ऐसा आकर कटिंग कर दे, ये सपोज करिए ये ड्रिल बिट हमारा हो, तो उस समय देखिए ड्रिल बिट अगर यहीं से एक्टिव हो जाए, जैसे केस वन ड्रिल बिट हमारा यहाँ पे रखा हुआ था, उसके बाद जब ये वर्किंग करने लगा तो यहीं से वर्किंग करके यहाँ तक वर्किंग किया, यहाँ तक वर्किंग करेगा तो ड्रिल बिट को ना कोई अप्रोच
डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, ना कोई ओवर ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। सेकेंड केस में ऐसा देखिए, जब ड्रिल बिट यहाँ पर हो तो इतनी डिस्टेंस हमारी अप्रोच ट्रेवल करेगा, और उसके बाद ड्रिलिंग करने के बाद वो ड्रिल बिट हमारा इतना डिस्टेंस आ जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग ओवर ट्रेवल्ड कहेंगे। तो ये भी मशीन टाइम में कंसीडर होगा और ये भी मशीन टाइम में कंसीडर होगा। तो यदि हम अप्रोच को ए मान लें और ओवर ट्रेवल्ड को बी मान लें, तो उस समय हमारा इस फार्मूले में देखिए, मशीन टाइम टी इज इक्वल टू, यदि इसकी लंबाई केवल एल हमने मानी थी, इसकी लंबाई केवल एल मानी थी, तो इस लेंथ को मशीन करने में फी डॉट आरपीएम का वो डिवाइड कर देंगे तो एल अपॉन एफ एन इज इक्वल टू मशीन टाइम आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड को इग्नोर कर दिया है। तो हम इस पर लिख सकते हैं, व्हेन इग्नोरिंग अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड, जब हम अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड को इग्नोर कर देंगे तब हमारा क्या होगा। अब अगर हम अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड को कंसीडर करें तो अच्छा, ड्रिलिंग में एक चीज़ आप देखिए, आप देखिएगा, सपोज करिए कि ये ड्रिल बिट यहाँ तक वर्क कर रहा है, एक्चुअल तो कटिंग यहाँ तक हुई है लेकिन ड्रिल का पॉइंट इतना दूर और आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, ड्रिल यहाँ तक ओवर ट्रेवल्ड लिया है, लेकिन अगर इसके ड्रिल पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ तक ड्रिल पॉइंट आगे गया है, तो इसे भी हम मशीन टाइम में कंसीडर करेंगे क्योंकि ड्रिल पॉइंट भी तो आगे जा रहा है। यहाँ पर देखिए, पहले ये ड्रिल पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जब ऐसा आएगा तो अब ये ड्रिलिंग स्टार्ट होगी। एक्चुअल का आप देखिए, ऐसे सपोज करिए ये हमारे पास ऐसा वर्क पीस हो और यहाँ पर अगर हम ऐसा ड्रिल बिट रख दें, जब इसे हम अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं तो अभी ये क्या करेगा, पहले इसकी साइज को बढ़ाएगा, तो ये ऐसा होगा। सेकेंड केस में ये ऐसा होगा, अब क्या हुआ देखिए, अभी तक कट स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब यहाँ से इतने डायमीटर का अब स्टार्ट होगा कट। ये जो ड्रिल का डायमीटर है, अभी इसके पहले ड्रिल बिट को इतनी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक, तो इतना जो डिस्टेंस जाएगा उसे हम टिप डिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए, मशीन करते समय या ड्रिल करते समय पहले टिप को इतना ड्रिलिंग करना पड़ा, उसके बाद अब इस पूरे बॉडी के माध्यम से ये पूरा डायमीटर हमारा क्या होगा, ड्रिल होगा। जब यहाँ तक ये पूरा डायमीटर ड्रिल हो जाएगा तो ये ड्रिल पॉइंट हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो हम चाहे तो इसको यहाँ से कंसीडर करें कि ये हमारा लेंथ हो जाए और ये हमारा ड्रिल पॉइंट डिस्टेंस हो जाए या टिप डिस्टेंस हो जाए, और अगर ड्रिल हमारा और ज़्यादा ओवर ट्रेवल्ड चल जाए तो इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक हम बी मान लें, बी का मतलब ओवर ट्रेवल्ड मान लें, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या मान लें, सी मान लें, सी का मतलब टिप डिस्टेंस मान लें, और सपोज करो कि यहाँ से वो ड्रिल पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ था, मान लो ड्रिल पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो स्टार्टिंग होगा इसे हम लोग अप्रोच मान लें, तो उस समय टोटल मशीनिंग टाइम इसमें जो आएगा वो अप्रोच प्लस लेंथ प्लस ओवर ट्रेवल्ड प्लस टिप डिस्टेंस अपॉन फीड इनटू एन आएगा। तो इस तरीके से ऐसे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन कंसीडर अप्रोच कॉमा ओवर ट्रेवल्ड एंड ड्रिल पॉइंट एंगल, ड्रिल पॉइंट एंगल का मतलब ये, ऐसे। तो इस तरीके से
देन टोटल मशीनिंग टाइम Tm बराबर लेंथ हो गया इसका प्लस अप्रोच हो गया प्लस B प्लस टिप डिस्टेंस C अपॉन F इंटू N। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा ड्रिलिंग मशीन के लिए। जब अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड और टिप एंगल दिया हो तो उस समय हम इसको निकाल लेंगे C की वैल्यू भी। तो फार्मूला होगा L प्लस A प्लस B प्लस C। अब ऐसा भी केस आएगा कि अगर ये ड्रिल पॉइंट एंगल हो ही ना, ड्रिल बिट ऐसा बना हो तो उस समय ड्रिल पॉइंट एंगल खत्म हो गया। जब ड्रिल पॉइंट एंगल ना दिया हो तो उस समय C को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे हटाते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट केस हमारा होगा व्हेन ड्रिल पॉइंट एंगल इज जीरो और 90। जब ये जीरो हो जाए, ये वाला एंगल जीरो हो जाए तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगी यहाँ पॉइंट बनेगा ही नहीं, तो टिप डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। देन इग्नोरिंग टिप डिस्टेंस, जब टिप डिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे तो मशीन टाइम देन टोटल मशीनिंग टाइम Tm बराबर L प्लस A प्लस B। अगर अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड की बात करेगा तो हमारा होगा L प्लस A प्लस B अपॉन F इंटू N फीड इंटू N के होगा। तो इस तरीके से ये हमारा होगा। अब हम लोग ये भी निकाल लेंगे कि C की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये मान लो ऐसा ड्रिल पॉइंट एंगल दिया हो तो उस समय C की वैल्यू कितनी होगी, इसे भी हमें निकालने के लिए आना चाहिए। और हमें ये भी आना चाहिए कि अगर इसका डायमीटर D हो, कैपिटल D हो, तो उस समय इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, मतलब ये कितना डेप्थ ऑफ कट हमारा काट सकता है। तो यदि हमारा डायमीटर D होता है तो ये डायमीटर के आधी डेप्थ को काट सकता है। तो डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू डायमीटर बाय टू होता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखिए, ऐसे नोट पॉइंट होता है डेप्थ ऑफ कट टी बराबर डी बाय टू के होता है, वेयर डी इज इक्वल टू, ये देखिए डायमीटर अगर 10 mm हो तो ये 5 mm तक गहराई पे ही काट पाएगा, ड्रिल बिट सूटेबल होगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो ये फेल कर सकता है। तो इस तरीके से D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट, ये हमारा हो गया ड्रिल बिट का डायमीटर। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ड्रिल पॉइंट एंगल दिया हो तो C की वैल्यू कितनी आती है, उसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। ऐसे हम लोग निकालते हैं, हेडिंग डालते हैं टिप डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस C हम लोग ले रहे हैं इसी को हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है टिप डिस्टेंस। अब टिप डिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, टिप डिस्टेंस इसको हम लोगों ने C माना हुआ था। तो सपोज करिए कि ये हमारे पास ऐसा वर्क पीस हो,
अब इस वर्कपीस पर हमने ड्रिल बिट से ड्रिलिंग करना स्टार्ट किया और ये हमने यहाँ तक ड्रिलिंग किया। अब इसके बाद और थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा हो जाए ड्रिल बिट। अब यहाँ से सपोज करिए यह कुछ इस तरीके का हो, ये हमारा ऐसे। अब देखिए ये हमारा हो गया। सपोज करिए कि यदि इसकी वैल्यू टिप एंगल की वैल्यू हम मान ले 2 अल्फ़ा, तो एक टिप की वैल्यू हमारी हो जाएगी अल्फ़ा, ये वैल्यू हमारी अल्फ़ा हो जाएगी क्योंकि सेंटर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद इसको थोड़ा हम लोग बाहर इनलार्ज कर लें, ऐसे ऐसे हम लोग इनलार्ज करके बनाएं। तो यहाँ पर देखिए यदि इसका डायमीटर डी हो तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू हमारी डी बाई टू के आएगी, ये वाली वैल्यू हमारी डी बाई टू के आएगी और ये वाली वैल्यू भी हमारी किसके आएगी, डी बाई टू के आएगी। तो इस या ऐसा हम करें फीड का आधा ले लें, जो हम लोग फीड लेते हैं फीड का आधा भी ले सकते हैं, या टिप डिस्टेंस। यदि ये हमारा अल्फ़ा हो जाए, सपोर्ट करो ये हमारा अल्फ़ा हो जाए, अब इस डिस्टेंस को हम सी मान लें। मान लो इसको हम लोगों ने सी मान लिया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सी तो माना है। अब इस सी की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो चलो ऐसा देखते हैं, ओ ए बी मान लीजिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जब ये एंगल है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है तो टैन का फार्मूला लगेगा, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई टू अपॉन सी। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, टैन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टैन अल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन टू सी, ये यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यहाँ से सी की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो सी इज इक्वल टू डी अपॉन टू टैन अल्फा के होता है। तो इस तरीके से टिप डिस्टेंस सी बराबर, फार्मूला याद रखिएगा, डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट अपॉन टू टैन अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू ड्रिल बिट एंगल। अगर यहाँ पर ये एंगल सपोज करो 118 डिग्री दिया होगा तो अल्फा की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 118 बाई 2 रख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी ड्रिल बिट एंगल के साथ टिप डिस्टेंस की। देन हम यहाँ पर अब टोटल मशीन टाइम, यहाँ पर देखिए TM बराबर, अब यहाँ पे हो जाएगा L प्लस A प्लस B प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है, डी अपॉन टू टैन अल्फा, डी अपॉन टू टैन अल्फा अपॉन एफ इंटू एन। तो आपसे एग्जाम में ये भी फार्मूला हो सकता है डायरेक्ट दिया रहे ऑप्शन में पहचानने के लिए, कि टोटल मशीन टाइम यदि ड्रिल बिट एंगल की वैल्यू दी हो तो उस समय कितना होगा ड्रिलिंग के लिए। तो या तो इस फॉर्म में फार्मूला आपका दिया रहेगा या इस फॉर्म में फार्मूला दिया रहेगा, लेकिन जब सी की वैल्यू करेगा बात तो अगर ड्रिल पॉइंट एंगल जीरो कर देगा तो ये सी गायब हो जाएगा, फिर केवल मशीन टाइम इतना ही आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ड्रिलिंग के लिए मशीन टाइम हो गया, कितना मशीन टाइम लगता है एक वर्क पीस को ड्रिल करने के लिए, इसे नोट करिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मशीन टाइम हमारा आता है ये मिनट में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। मशीन टाइम अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ TM बराबर ये किस में आता है, मिनट में आता है।
ओमिनेट में कैसे आता है, यहाँ से भी हम लोग निकाल लेंगे। फीड की वैल्यू, एन की वैल्यू रखेंगे और इन सब का जब सबकी यूनिट रखेंगे तो ये मिनट में ही आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है मशीनिंग टाइम। अब मशीनिंग टाइम के बाद ये जो मटेरियल को यहाँ से रिमूव कर रहा है, देखें इतना मेटल हमारा रिमूव होगा ना, जितना होल बनेगा उतने होल का मेटल हमारा बाहर रिमूव होगा। तो वो मटेरियल के रिमूव होने की दर क्या होगी, MRR। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये पढ़ लेते हैं MRR। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं मेटल रिमूवल रेट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन या ड्रिलिंग प्रोसेस। तो ड्रिलिंग प्रोसेस में जो मेटल रिमूवल रेट होता है वो सिंपल सा उसका फार्मूला होता है MRR इज इक्वल टू, देखिए एरिया इंटू फीड इंटू RPM। इस तरीके से होता है। यदि यहाँ से मेटल रिमूवल रेट हम ले रहे हैं तो देखिए ऐसा सर्कुलर बनेगा और ये जाएगा डेप्थ में, तो ये क्या होगा, रेट की जब बात करेंगे, जब टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो लेंथ से मल्टीप्लाइड करना होगा यानी कि वॉल्यूम निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे जब मेटल रिमूवल रेट की बात करेंगे तो इसका एरिया की बात करेंगे, इस एरिया में इसके फीड को मल्टीप्लाइड कर देंगे और ये कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इसका मेटल रिमूवल रेट निकल जाएगा। अब इस सर्किल का एरिया हमारा क्या होता है, तो MRR इज इक्वल टू पाई बाय 4, यदि इसका व्यास d है तो d स्क्वायर इंटू फीड को हम f ले रहे हैं और इसको हम n ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये इसका मेटल रिमूवल रेट हमारा निकल जाएगा और ये किस में निकलेगा, MM³ पर मिनट में निकलेगा, ये निकलेगा MM³ पर मिनट में निकलेगा। तो ये हमारा होता है मेटल रिमूवल रेट इन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में मेटल रिमूवल रेट हमारा इस तरीके से निकलता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक ये जो हम लोगों ने एनालिसिस की, सी क्या होता है, बी क्या होता है, मेटल रिमूवल क्या होता है, मशीनिंग टाइम क्या होता है, कटिंग स्पीड क्या होता है, इस पर रिलेटेड हम लोग एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कन्वेंशनल क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए होल ऑफ थर्टी mm डाया एंड 75 mm डेप्थ। एक होल हमारा 30 mm व्यास और 75 mm डेप्थ का बनाना है जिसमें फीड हमारी 1.3 mm पर रिवॉल्यूशन है, इन विच ये क्या है डीप होल कैन बी ड्रिल्ड इन विच इन विच
स्पीड इज 1.3 mm पर रिवॉल्यूशन एंड कटिंग स्पीड इज, फीड 1.3 mm पर रिवॉल्यूशन है और कटिंग स्पीड 62 मीटर पर मिनट है। यदि अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड को 6 mm मान लिया जाए तो उस समय, यदि देखें इसमें हमारा हो जाएगा 1.3 mm पर रिवॉल्यूशन, यदि इसकी कटिंग स्पीड हमारी 62 mm दे दी हो, 62 मीटर पर मिनट, एंड इफ अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड आर 66 mm, यदि अप्रोच मतलब ए की वैल्यू और ओवर ट्रेवल्ड बी की वैल्यू 6 mm दिया हो तो उस समय स्पिंडल आरपीएम, मशीन टाइम और एमआरआर को फाइंड करिए। उस समय देन फाइंड द स्पिंडल आरपीएम कॉमा मशीनिंग टाइम एंड एमआरआर। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले गिवन डेटा, गिवन हमारे पास क्या है, ए होल इज 30 mm डाया, ये जो होल का व्यास बनेगा 30 mm का होगा, मतलब ड्रिल बिट का भी डाया 30 mm होगा, तो d इज इक्वल टू 30 mm एंड 75 mm डीप, वो कितनी गहराई तक बनाना है उसका होल, 75 mm, तो हमारा जो डेप्थ यानी कि थिकनेस होगा, डेप्थ ऑफ थिकनेस होगा 75 mm तक बनाना है। देन उसके बाद होल कैन बी ड्रिल्ड इन विच फीड इज 1.3 mm पर रिवॉल्यूशन। तो आप देखिए जो फीड हमारा होगा 1.3 mm पर रिवॉल्यूशन होगा एंड कटिंग स्पीड इज, कटिंग स्पीड मतलब सीवी की वैल्यू 62 मीटर पर मिनट होगा। इफ अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड दोनों ए बराबर बी बराबर 6 mm दिया है, ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, देन फाइंड द स्पिंडल आरपीएम कॉमा मशीनिंग टाइम एंड एमआरआर। तो स्पिंडल आरपीएम के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, कटिंग स्पीड सीबी बराबर पाई डी एन अपॉन 1000, यहाँ से स्पिंडल आरपीएम एन की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एन बराबर हो जाएगा सीबी इंटू 1000 अपॉन पाई डी। तो इस तरह इसका सीबी की वैल्यू कितना दिया है, 62 इंटू 1000 अपॉन पाई की वैल्यू आप चाहे 3.14 ले लीजिए, 3.14 इंटू डायमीटर हमारा कितना दिया है 30। तो इस तरीके से ये हमारी टोटल वैल्यू n की आ जाएगी, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा तो n की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। देन हमें किसकी वैल्यू निकालना है, मशीन टाइम tm। तो tm बराबर देखे यहाँ ड्रिल पॉइंट एंगल की बात ही नहीं किया, जब ड्रिल पॉइंट एंगल नहीं दिया है तो tan अल्फा लगेगा ही नहीं, तो हम लोग मशीन टाइम tm बराबर l प्लस a प्लस b अपॉन f इंटू n। अच्छा l का मतलब यही डेप्थ ऑफ कट, जितना काटना है यही तो l हमारी हो जाएगी, ये हो गया 75 प्लस अप्रोच की वैल्यू कितना दिया है 6 प्लस ओवर ट्रेवल्ड 6 अपॉन फीड की वैल्यू कितना दिया है 1.3 इंटू कितना हो गया
एन, रिवोल्यूशन एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये हमारी एन की वैल्यू आएगी। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 62 × 1000 / 3.14 × 30। तो इस तरीके से ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल मशीन टाइम, और ये किस में आएगा, मिनट में आएगा। ये जो टोटल मशीन टाइम हमारा होगा ये मिनट में होगा। देन आफ्टर मटेरियल रिमूवल रेट हमें पूछा है, तो एम आर आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, π/4 × इसका डी स्क्वायर, डी का मतलब डी की वैल्यू कितना दिया है, डायमीटर 30 है, π/4 × 30 का स्क्वायर × फीड हमारी कितना दिया है, 1.3 × एन की वैल्यू कितना दिया है, एन की वैल्यू हमारी ये आई है 62 × 1000 / 3.14 × 30। तो इस तरीके से ये हमारा इतना mm क्यूब पर मिनट, ये आएगा mm क्यूब पर मिनट में। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है ड्रिलिंग के लिए, इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी से रिलेटेड कर लेते हैं। ये कह रहा है ए होल ऑफ 40 mm डाया एंड 120 mm डेप्थ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए होल इज 30 mm डाया या 40 mm डाया एंड 40 mm डायमीटर एंड 120 mm डीप कैन बी ड्रिल्ड बाय ड्रिलिंग मशीन। एक होल हमारा 40 mm व्यास का और 120 mm डेप्थ में करना है, जिसमें फीड हमारी 1.4 mm पर रिवोल्यूशन और कटिंग स्पीड 70 है। इन विच फीड इज 1.4 mm पर रिवोल्यूशन एंड कटिंग स्पीड इज 70 मीटर पर मिनट, जिसे काटने के लिए कटिंग स्पीड 70 पर मीटर है। यदि अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड को 8 मान लिया जाए, इफ अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड इज 8 एंड ड्रिल पॉइंट एंगल, अच्छा देखिए उसमें भी जवाब से ऐसे कह दे, ड्रिल पॉइंट एंगल, यदि डायरेक्ट अल्फा बराबर 60 डिग्री दे दे, तो यहाँ पर अल्फा बाई 2 मत लगाइएगा, जब 2 अल्फा बराबर 60 देगा तो अल्फा बराबर 60/2 करिएगा। यदि ड्रिल पॉइंट एंगल अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन
फाइंड स्पिंडल स्पीड कॉमा मशीन टाइम एंड, देखिए स्पिंडल स्पीड, मशीन टाइम और एमआरआर एंड एमआरआर को फाइंड करिए। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन डेटा देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है, ए होल इज 40 एमएम व्यास, डायमीटर हमारा कितना दिया है 40 एमएम एंड 120 एमएम डीप, मतलब लेंथ हमारी 120 एमएम दिया है। अब इसके बाद आगे कह रहा है ड्रिल बाय ड्रिलिंग मशीन इन विच फीड 1.4, तो एफ इज इक्वल टू 1.4 एमएम पर रिवॉल्यूशन दिया है, इन विच फीड इतना एंड कटिंग स्पीड इज 70, कटिंग स्पीड इज 70 मीटर पर मिनट है। इफ अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड इज 8, यदि अप्रोच ए बराबर ओवर ट्रेवल्ड बी बराबर 8 एमएम दिया हो, ये एमएम रहेगा। एंड ड्रिल पॉइंट एंगल अल्फा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्पिंडल स्पीड एन बराबर हमें फाइंड करना है, मशीन टाइम टीएम बराबर एंड एमआर आर बराबर निकालना है। तो यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखें, जब हम कटिंग स्पीड सीबी बराबर पाई डी एन अपॉन 1000 जानते हैं, यहाँ से एन बराबर सीबी इंटू 1000 अपॉन पाई डी, देन यहाँ से एन इज इक्वल टू कटिंग स्पीड कितना दिया है 70 इंटू 1000 ऑब्लिक में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर कितना दिया है 40, तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, एन की वैल्यू आरपीएम में आ जाएगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे, सेकेंड हमें निकालना था मशीन टाइम, तो यहाँ से मशीन टाइम टीएम बराबर, देखें अप्रोच लेंथ भी दिया है, अप्रोच भी दिया है, विड्थ भी दिया है, प्लस उसके बाद हमें सी की वैल्यू भी दिया है अपॉन एफ इंटू एन, देन हम इसे निकालेंगे तो यह हमारा निकलेगा एल की वैल्यू कितना दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 120 एमएम प्लस अप्रोच ए इज इक्वल टू 8 एमएम प्लस ओवर ट्रेवल्ड बी इज इक्वल टू 8 एमएम प्लस सी की वैल्यू हमारी कितना दिया था डी बाय 2 टैन अल्फा, सी इज इक्वल टू हमारा होता है डी बाय 2 टैन अल्फा अपॉन फीड की वैल्यू कितना दिया है 1.4 इंटू एन की वैल्यू हमारी ये आएगी 70 इंटू 1000 अपॉन 3.14 इंटू 40, तो इस तरीके से मशीन टाइम आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 136 प्लस ये हो जाएगा डायमीटर कितना दिया था 40 अपॉन 2, इसको ऐसे करिए थोड़ा 136 प्लस 40 अपॉन 2 टेन 60, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितने दिया है 60 डिग्री, यदि 2 अल्फा की वैल्यू देता तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आधी रखते 2 टेन 60 अपॉन 1.4 इंटू 70 इंटू 1000 अपॉन 3.4 इंटू 40, तो इस तरीके से हमारा इतना मिनट
आएगा मशीन टाइम, टीएम बराबर इतना मिनट हमारा आएगा। देन इसके बाद एमआरआर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो एमआरआर बराबर ये हमारा हो जाएगा पाई बाई फोर डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर कितना है 40 का स्क्वायर इंटू फीड 1.4 इंटू स्पीड एन, एन की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ये आई है 70 इंटू 1000 ऑब्लिक में 3.14 इंटू 40। तो ये एमआरआर आपका आ जाएगा 3.14 ऑब्लिक 4 इंटू 40 का स्क्वायर इंटू 1.4 इंटू 70 इंटू 1000 अपॉन 3.14 इंटू 40 एमएम क्यूब पर मिनट। तो इस तरीके से ये इसका एमआरआर आ जाएगा। तो ऐसे आसान से क्वेश्चन आपके दिए जा सकते हैं ड्रिलिंग मशीन से रिलेटेड, ये कन्वेंशनल में भी आ सकता है और छोटे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इससे पीछे नहीं हटना है, इसके आंसर नोट कर लीजिएगा। देखिए पहले वाले क्वेश्चन का जो एन की वैल्यू है वो 657 है और मशीन टाइम 0.101 मिनट है। पहले वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू स्पीड आरपीएम, एन की वैल्यू ये जो आई है ये आई है 657 आरपीएम एन बराबर क्वेश्चन नंबर वन में, और मशीन टाइम टीएम बराबर जो आई है 0.101 मिनट आई है। इस तरीके से 0.101 आई है और उसके बाद एमआरआर बराबर 6.3805 एमएम क्यूब पर मिनट है। इसका मेटल रिमूवल रेट जो आया है वो आया है 6.3805 एमएम क्यूब पर मिनट है। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आप मैच करा लीजिएगा। इसके लिए हमें एन की वैल्यू जो निकालनी थी तो वो हमारा एन बराबर आएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए एन बराबर 556 और ये एन इज इक्वल टू दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए 556 आरपीएम आएगा, 556 आरपीएम आएगा। अब इसके बाद मशीन टाइम जो इसका आया है वो आया है 11.56 मिनट। इसका जो मशीन टाइम आया है इज इक्वल टू 11.56 मिनट, और इसके लिए मेटल रिमूवल रेट जो आया है वो आया है 97.82 एमएम क्यूब पर मिनट। अपने हिसाब से कैलकुलेट करके मैच करा लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में रॉन्ग भी हो सकता है। तो इस तरीके के हम सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा ड्रिल बिट से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे उस पर हम लोग टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ेंगे और ड्रिल बिट के जितने भी स्पेसिफिकेशन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।